पंचायत समिति हमीरपुर की त्रैमासिक बैठक का आयोजन बीडीओ सभागार में किया गया। बैठक की अध्यक्षता बीडीओ हमीरपुर अस्मिता ठाकुर ने की। बैठक में मनरेगा के अलावा 14वें वित्त आयोग के बजट को लेकर चर्चा की गई। पंचायत समिति बैठक के दौरान पंचायतों में पेंडिंग पड़े हुए कामों को लेकर समीक्षा की गई ताकि समय पर कामों को पूरा किया जा सके। पंचायत समिति हमीरपुर की त्रैमासिक बैठक का आयोजन बीडीओ सभागार में किया गया। बैठक की अध्यक्षता बीडीओ हमीरपुर अस्मिता ठाकुर ने की। बैठक में मनरेगा के अलावा 14वें वित्त आयोग के बजट को लेकर चर्चा की गई। पंचायत समिति बैठक के दौरान पंचायतों में पेंडिंग पड़े हुए कामों को लेकर समीक्षा की गई ताकि समय पर कामों को पूरा किया जा सके। बीडीओ हमीरपुर अस्मिता ठाकुर ने बताया कि बैठक में लंबे समय से पेंडिंग पड़े हुए कामों को निपटाने के लिए निर्देश दिए गए हैं और बचे हुए कामों की बीडीओ हमीरपुर अस्मिता ठाकुर ने बताया कि पंचायत समिति हमीरपुर की बैठक में 14वें वित्त आयोग के तहत होने वाले कामों को लेकर चर्चा की गई तो पंचायतों में बचे हुए कामों को जल्द पूरा करने के लिए भी पंचायत के नुमाइंदों को कहा गया। उन्होंने बताया कि त्रैमासिक बैठक के दौरान सभी पंचायत समिति के सदस्यों ने हिस्सा लिया है। पंचायत समिति की मीटिंग है ये, जो हमारी रूटीन की त्रैमासिक मीटिंग बैठक होती है वही है। इसमें जो है एक तो हमारे मनरेगा के और 40th फाइनेंस कमीशन के जो सेल्फ हैं उनकी अप्रूवल भी होनी है, जो पंचायत समिति से भी होती है फर्स्ट फेज में। उसके बाद ये जिला परिषद से होती है, तो अभी ये पंचायत समिति से उसकी अप्रूवल भी हो जानी है। और उसके अतिरिक्त जो है वो हमारी जो पंचायत समिति के कार्य हैं उनकी समीक्षा भी यहाँ पे होती है। और विभिन्न विभागों को जो प्रस्ताव पंचायत समिति के सदस्यों ने दिए होते हैं उनकी समीक्षा जो है वो आज की इस बैठक में होनी है। तो ये हमारी त्रैमासिक बैठक ही है जो पंचायत समिति की रूटीन में होती है। ये प्रतिनिधि जो इसमें पंचायत प्रधान तो वही होते हैं, जो जैसे 4 पंचायत प्रधान होते हैं जो पंचायत समिति के सदस्य होते हैं जो रोटेशन में आते हैं जी। और बाकी इसमें विभिन्न विभागों के अधिकारी जो हैं वो इसमें भाग लेते हैं, जैसे लगभग सभी विभाग होते हैं। जो हमने पत्र भेजे हैं वो 25 विभागों के जो हैं वो अधिकारियों को हमने पत्र भेजे हैं। तो अभी जैसे मैं मीटिंग में गई थी तो कम ही लोग आए हैं, हो सकता है कि लास्ट डेट्स हैं ईयर की तो उसमें छुट्टी पर भी होंगे कुछ लोग, तो उसकी वजह से भी ऐसे लग रहा है कि जो विभिन्न विभागों के अधिकारी हैं उनकी प्रेजेंस जो है वो कम है। तो सभी से मेरा यही निवेदन रहेगा कि जो भी पंचायत समिति की जो ये मीटिंग होती है ये भी पब्लिक वेलफेयर के लिए होती है, तो सभी विभाग जो हैं वो अपनी उपस्थिति यहाँ पे सुनिश्चित करें आगामी जो भी बैठकें हों। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, आइए मिलते हैं ब्रेक के बाद।